मॉल रोड पर नाबीना अफराद और पुलिस आमने सामने, मुजाहिरीन की गवर्नर हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस ने नाबीना अफराद को चिनाबाग के करीब रोक लिया। धक्कमपेल, पुलिस ने हेलमेट मारकर नाबीना शख्स का सर फाड़ दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारे मुतालबात कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो जैसे वफाक में डिसेबल अलाउंस 10,000 है, हमारे परमानेंट जो मुलाजिम है, हम कहते हैं डिसेबल अलाउंस उनका 10,000 किया जाए। दूसरा, हमारे डेली वेजिस पे हैं, तीन मार लगाते हैं फिर हमें निकाल देते हैं, कभी कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, कभी हमारे साथ वो स्पेशल जो बर्ताव है वो नहीं किया जा रहा। हमारे जो मुतालबात हैं, हम सीएम साहिबा से 12 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो हमारे मुतालबात को हल करें, हमसे मीटिंग करें, सुने हमारे मुतालबात, वो लोगों की बातों में ना आएँ और वो हमारे हमसे डायरेक्टली मिले। वो दूसरे डिपार्टमेंट्स दूसरे लोगों को बुला लेती हैं हमारे मुतालबात जानने के लिए, लेकिन जो असल बेनिफिशियरी हैं जिनके मुतालबात हैं, ना उनके पास आ रही हैं, ना उन्हें बुला रही हैं, ना उनके मुतालबात सुन रही हैं। बसारत से महरूम अफराद का मुतालबात के हक में एहतजाज। नाबीना अफराद और पुलिस अफसरान के दरमियान तसादुम पर अफसरान खामोश तमाशाई। क्या कोई प्लान है दरमियानी रास्ता निकालने का? लोग दोनों तरफ से जख्मी हो रहे हैं। सहाफी का सवाल, ACCT राय बाबर अली मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चल पड़े। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला ऑफिस में आमद। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के तरक्याती मंसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर। मियां नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, गवर्नर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफ सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सरदार सलीम हैदर पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला खत्म करने पर बाजिद हैं। नून लीग के गैर संजीदा रवैये की वजह से पाकिस्तान पीपी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कल मतवक्के दौरा लाहौर। आरिफ अलवी लाहौर तंजीम के ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज के हवाले से मुशावरत की जाएगी। साबिक सदर कल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का गुलबर्ग टाउन की तंजीम का ऐलान। हाजी फयाज सदर गुलबर्ग टाउन मुकर्रर। अफजाल खान सेक्रेटरी जनरल और इमानुल्लाह खान सेक्रेटरी इतलात होंगे। हाजी फयाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने पर टाउन सदर मुकर्रर किया गया। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में हैं। सुबह वज़ीर इत्तला'आत असमा बुखारी का रद्देअमल, कहा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल 5वीं मरतबा कमी। पेट्रोल 2.07 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 247.10 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.40 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्देअमल। इतना भी नहीं है कि मतलब कि किसी के लिए सहूलत पैदा हो सके, ये तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। ठीक है, तो और हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें। क्या फ़ायदा चीज़ है, वैसे की वैसी महंगी है, कौन सा रेट कम हो जाएगा उनका? फर्क फिर कुछ नहीं आना जब तक माफिया को नहीं पकड़ेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। पेट्रोल जितना मर्जी आप कम कर ले, रेट उतने का उतना ही रहना चीज़ों का। हाँ, पेट्रोल महंगा करेंगे तो चीज़ों का रेट और महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के सम्राट आवाम तक न पहुँच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में कमी न की। मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स फौरन किराया बढ़ा देते हैं। आला हुकम से नोटिस लेकर किरायों में फौरी कमी का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी किरायों में कमी के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील दे दी। अफसरान को फील्ड में रहने और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। एक महीना
महीना पहले गया था तो तब भी 1500 कराया था, तो आज जा रहा हूँ चकवाल आज भी 1500। मैं कल रात को आया हूँ, 1650 उन्होंने टिकट मेरी मुझसे ली है, वो तो मेरे पास टिकट अभी भी मौजूद है। तो ये दिन ब दिन रेट अप करते हैं, अपनी मर्जी से कराया लेते हैं, अपनी मर्जी से बिठाते हैं। आवाम की सेहत से खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। फूड अथॉरिटी जानवरों की आलाशों से तेल तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ इन एक्शन। करोल घाटी में मीट प्रोसेसिंग के 2 यूनिट्स बंद कर दिए। 1,00,000 रुपए जुर्माना, 3 यूनिट्स को नोटिस और 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। इनकम टैक्स जमा करवाने वालों के लिए अच्छी खबर। FPR ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी और तारीख में तौसी कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी। तौसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबात पर की गई। 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मनसूबा, हुकूमत ने 5,64,59,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। बैनुल अक्वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हर गाड़ी और हर शख्स की मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़ा इकदाम। जौहर टाउन, सब्जाजार, मुस्तफ़ा टाउन समेत LDA की तमाम स्कीमों में रिहायशी प्लॉट की नीलामी करने का फैसला। रिहायशी प्लॉट्स किस्तों पर देने की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की सुनी गई। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट को 7 साल बाद भर्तियों की इजाज़त मिल गई। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट प्लान्स, इंजीनियर रिसर्च एनालिस्ट की मंजूरी, रिसर्च असिस्टेंट, IT मैनेजर, कार्ड ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट की भर्ती होगी। जिमस्टोन की स्मगलिंग उरूज पर मुतल्लिका इदारों की आंखें बंद। स्मगलर सालाना $5 अरब के जिमस्टोन स्मगल करते हैं मगर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। माली साल 2023-24 में जिमस्टोन की बरामदात $1.5 अरब से कम होकर $80 करोड़ रह गई। अदालतों में बरवक्त चालान न भिजवाने का खुद नोटिस केस। अदालती हुक्म पर 2022 तक ज़ेरे इल्तवा चालान अदालतों में पेश कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पेश करदा चालान की बाबत रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। मुलजमान के वकला ने रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भिजवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर जवाब तलब कर लिया। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर के सामान की सपुरदारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। ATC ने दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक खलील रहमान कमर को वापस की जाए। वकील ने एक बाबराय तावान केस वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन 2024-25 का इनका। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों को वार्निंग जारी। तमाम उम्मीदवारों को पैनाफ्लैक्स बैनर्स और पोस्टर्स और स्टिकर्स 5 अक्टूबर तक उतारने का हुक्म। कहा, जाब्ते अखलाक की पाबंदी न करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल किया जा सकता है। लाहौर बोर्ड ने 11वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया। 84,750 तलबा पाकिस्तान से पास हो गए। 77,000 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हुए। इम्तिहान में 1,62,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां और सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नज़ीर ने नतायज का ऐलान किया। 26.94% पास परसेंटेज है ह्यूमैनिटीज़ में बॉयज़ के हवाले से।
गर्ल्स की बात करें तो 35,541 एप्लीकेशंस थी जी, 34,656 एक्चुअली अपीयर हुए, 18,302 ये हमारे बच्चे पास हुए और 52.81 इनकी पास परसेंटेज है गर्ल्स की। यहाँ पर भी ह्यूमैनिटीज़ में भी गर्ल्स आगे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो 56,190 टोटल ने अप्लाई किया था, 53,996 एक्चुअली अपीयर हुए थे और 23,512 ह्यूमैनिटीज़ के अंदर पास हुए, जबकि ये पास परसेंटेज 43.54।